Good evening, friends, and welcome to today's class. Without any delay, we'll start the class. We already आज बहुत late हो गया start होते होते, so start करेंगे. आज हम लोग divisibility वाला सारा कुछ पढ़ लेंगे, divisible क्या, not divisible जो भी है. और बाकी let's see, अगर time होता है तो LCM और HCF भी पढ़ेंगे, और अगर time नहीं होता है तो उसको हम लोग कल की class में continue करेंगे. कल तो मेरा क्लास नहीं है, परसों. ठीक है, ओके, स्टार्ट कर सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. मैं स्टार्ट द क्लास स्टार्ट कर सकते हैं ना. चलो, सो कल हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब देख लिया था, ये डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह सब कुछ देख लिया था. डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था. ठीक है, डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन भी बना लिया था, और अभी हम लोग बाकी सारा क्वेश्चन देखेंगे. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ये ऊपर वाला. हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 300 आर डिविजिबल बाई बोथ 7 and 3. 7 और 3 से डिविजिबल, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. आप बताइए कि 1 से 300 के बीच में ऐसा कितना नंबर है जो 7 और 3 दोनों से कटेगा. Tell me, how many numbers are there between 1 and 300? The 7 or 3 दोनों से कटेगा. फर्स्ट वाला क्वेश्चन कीजिए, ऊपर वाला, ऊपर वाला. है क्या? करेक्ट, सही है, वेरी गुड. एनीवन एल्स? सर 14 आया, पर पता नहीं इसलिए ना गलत है. मतलब पहले क्या किया, क्या वो बोलो. 7 से पहले 300 को डिवाइड किया तो 42 आया, फिर 42 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 14 आया. 42 को 3 से क्यों डिवाइड किया? अच्छा, वो उतना नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए. हाँ, सही किया, लॉजिक अच्छा है. बट इससे इजी है ना, देखो अगर 1 से 300 के बीच में कितना नंबर है आपको निकालना है, 7 और 3 दोनों से कटना चाहिए. मैंने कल ही बताया था, अगर एक नंबर 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो इन दोनों के एलसीएम से भी कटना चाहिए, इन दोनों के एलसीएम से भी कटना चाहिए. अगर एक नंबर 7 से भी कटेगा और वो नंबर 3 से भी कटेगा, तो वही नंबर उनके एलसीएम से भी कटना चाहिए. 7 3 7 3 में कोई कॉमन कुछ है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? उनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो एलसीएम 21 होगा ना, 21 होगा एलसीएम. आप निकाल लीजिए 1 से 300 में कितना नंबर है जो 21 से कटता है. सो आप 300 को 21 से डिवाइड कर दीजिए, 21 1s are 21, बचेगा 91, 21 4s are 84, बचेगा 7, तो ऐसा 14 नंबर्स होगा. आपका लॉजिक भी बहुत सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये ज्यादा इजी है. समझ में आया ये क्वेश्चन? किसी को कोई आपत्ति, कोई आशंका, कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को? होने से बोलो, मैं रिपीट करूंगा. एनीवन, किसी को समझ भी नहीं आया ऐसा कोई है? कोई डाउट किसी को? नहीं है ना? आई होप नॉट. क्लियर है ना? सिंपल चीज है, 7 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 21 से भी कटेगा वो नंबर.
ठीक है, तो 21 से कितना नंबर कटेगा वो निकाल लो आप, सिंपल खत्म। ठीक है, सेकेंड वाला करो, ये वाला, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 50 एंड 400 आर डिविजिबल बाय 23, ये वाला करो। आंसर क्या आएगा? 15 आएगा क्या? हाँ 15, करेक्ट, सही है, 15 सही है, वेरी गुड, 15 सही है। देखो आपको बोला है कि 50 और 400 के बीच में, 50 और 400 के बीच में कितना नंबर है जो 23 से कटता है। आप 1 से 400 तक निकाल लो, आप 1 से 400 तक आप निकाल लो, 1 से 400 तक कितना नंबर है जो 23 से कटता है, तो आप 400 को 23 से डिवाइड कर दो, तो 23 वन जा 23 आएगा, बचेगा 17 और एक जीरो, और 23 सेवन जा कितना होगा, 161। ठीक है, सो बचेगा 9। इसका मतलब 1 से लेके 400 तक तो 17 है, बट आपको 50 से 400 तक ही बोला है, तो 1 से 50 तक 2 है, 23 और 46, 1 से 50 तक 2 है ना जो 23 से कटता है, 23 है और 46 है, तो उन दोनों को माइनस कर दो, टोटल तो 17 है, बट उन दोनों को हटा दो तो 15 बचेगा ना, 15। ठीक है, सो आंसर इज नन ऑफ दिस। अगर आपने कोई और लॉजिक से किया देन ऑल्सो इट इज ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, कैसे भी करो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आप, मैंने क्या किया, पहले 1 से 400 तक निकाल लिया कि कितना नंबर 23 से कटेगा, तो मेरे पास आया कि 17 ऐसा नंबर है, 17 नंबर्स फ्रॉम 1 टू 400, बट आपको 50 से 400 तक ही बोला है, तो आप 23 और 46 को निकाल दोगे ना वहां से। ठीक है, तो दो दो निकल जाएगा, तो 15 बचेगा 17 में से। क्लियर, इज इट क्लियर, टेल मी। किसी को डाउट है क्या, बोलो, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है ना? ये वाला करो, अभी नीचे वाला करो, नीचे वाला, सेकंड वाला। किसी का माइक ऑफ है प्लीज, ऑफ कर, ऑन है मतलब, ऑफ कर दीजिए।
None of this. What is the answer? What is the figure? 103. No, it is not 103. 20. सर इधर और है तो दोनों को ऐड ही करेगा ना. नहीं नहीं नहीं, इधर और है मतलब आठ से कट सकता है या फिर 12 से कट सकता है, दोनों से नहीं कट सकता. जो भी नंबर होगा ना वो दोनों से नहीं कटना चाहिए. मतलब दोनों से नहीं कटना चाहिए, मतलब किससे नहीं कटना चाहिए बोलो. अगर वो नंबर दोनों से नहीं कटना चाहिए तो किस नंबर से नहीं कटना चाहिए? इन लोगों का फैक्टर से भी नहीं. अगर वो नंबर जितना भी ना, 24 से नहीं कटना चाहिए. अगर वो नंबर 8 और 12 से, 8 या फिर 12 से कटना चाहिए, 8 से कट सकता है या फिर 12 से कट सकता है, बट दोनों से नहीं कट सकता. इसका मतलब 24 से नहीं कट सकता. तो 24 का जितना मल्टीपल है वो निकालो और 8 और 12 का पहले जोड़ दो, जितना आएगा उसमें से 24 का माइनस कर दो. वही आंसर है. करो, अभी ट्राई करो तो एक बार. ट्वेंटी नहीं है, 20 से बहुत ज्यादा हो. 83 मे बी. यस मे बी. यस करेक्ट, 83 होगा. करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस. हाँ ऑप्शन बी अभी आ गया ना समझ में. देखो क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 से 500 के बीच में जितना नंबर है वो आपको बता रहा है कितना नंबर है जो 8 से कटता है या फिर 12 से कटता है. दोनों से नहीं, दोनों से नहीं, आइदर 8 और 12. ठीक है, जैसे कि मतलब जैसे कि कोई एक नंबर है सपोज 48 तो इस 8 से भी कटता है 12 से भी कटता है. ठीक है, बट इस नंबर को हम लोग कंसिडर ही नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों से कटता है ना, ये दोनों से कटता है तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर सकते. ठीक है, सो मुझे लगता है इसका आंसर और थोड़ा सा कम होगा. आप लोग ट्राई करो तो एक बार. 83 मुझे नहीं लगता 83 होगा. तो नहीं लग रहा है, और कम होगा और भी कम होगा. देखो तो देखो मैं आपको बता दूंगा, पहले हम लोग निकालेंगे जो जो जितना नंबर 8 से कटेगा. 8 से कितना नंबर कटेगा 1 से 500 के बीच में बताइए. 1 से 500 के बीच में 8 से कितना नंबर कटेगा? 62. यस, कैसे किया? 8 से कितना नंबर कटेगा? अब 500 को 8 से भाग कर दीजिए. 500 को आप 8 से भाग कर दीजिए. 8 6 जा 48 20 और 8 2 जा 16. तो ऐसा 62 नंबर से जो 8 से कटेगा, ऐसा 62 नंबर से जो 8 से कटेगा. ठीक है, ये सब मिटा दे रहा हूं. ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग बाद में देख लेना, कैलकुलेशन में कुछ नहीं है यहाँ पे. ओके, अभी ये जो 8 से जो इतना 62 नंबर्स निकला हमारा, इसमें 24 का मल्टीपल्स भी है ना. 24 48 72 96 ये सब है, करेक्ट. अभी हम लोग 12 से कितना सारा कटता है वो निकालो. 12 से कितना कटेगा बोलो, सेम प्रोसेस में बोलो कितना कटेगा. 41 कटेगा. ठीक है, 41 कटेगा 12 से. अभी 12 से जो कट रहा है, 12 से जितना नंबर्स कट रहा है, मतलब 12 से जितना नंबर्स कट रहा है, उस नंबर्स में भी 24, 48, 72, 96 वो सब फिर से आ गया, दो बार आया है. बट हमको उसको दोनों बार से निकाल देना है, उसको निकाल देना है, बाहर फेंक देना है, तो उसको दो टाइम मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे. ठीक है, आप देखो 24 से कितना नंबर कटेगा, 24 से कितना कटेगा देखो. 24 24 2 जा 48, 20 बचेगा, फिर क्या क्या होगा बोलो. इसके बाद बोलो तो क्या करना है. तो
कुछ नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। हाँ करेक्ट। तो 24 से कितना नंबर कटेगा? 20 नंबर कटेगा, 20 नंबर कटेगा, ठीक है। 24 से कितना नंबर कटेगा? 20 नंबर कटेगा। तो 24 से नंबर कटेगा 20, बट यहाँ पे जो 24 से कटने वाला नंबर एक बार ऑलरेडी आ गया था, यहाँ पे वो वापस आ गया, वो दो बार ऑलरेडी आ चुका है। कितना नंबर दो बार आया? यहाँ पे ऐसा कितना नंबर है? 20 नंबर है। यहाँ पे ऐसा कितना नंबर है? 20 नंबर है। यहां में से 20 नंबर निकाल देने से कितना बचेगा? 42 नंबर्स। इसमें से 20 नंबर निकाल देने से कितना बचेगा? 21 नंबर्स। इन दोनों को ऐड करके कितना बचेगा? 63 नंबर्स। तो ऐसा 63 नंबर्स है जो 1 और 500 के बीच में है, जो आइदर 8 से कटेगा या फिर 12 से कटेगा। समझ में आ गया? देखो तो एक बार, वो दो बार काउंट हुआ है ना, तो उसको दो बार निकालना है ना। एक बार निकालने से तो एक बार फिर रह जाएगा वो। कितने लोगों को समझ में आ गया वो बात बताओ तो? How many of you got this point? Clear हुआ ना? ठीक है, देखो मैं वापस समझा देता हूँ। देखो यहां पे निकला है 8 से कटने वाला कितना नंबर है? 8 से कटने वाला कितना नंबर है? 62 नंबर्स है, 62। ये सब नंबर्स में 24, 48, 96, सॉरी 72, 96, ये सब तो है ना, ये सब तो है नंबर्स, ये सब नंबर्स काउंट हुआ है ना 62 में। और यही सब नंबर्स 12 से कितना कटा है? 12 से 41 नंबर्स है। इस 41 नंबर्स में भी ये सब नंबर है, 24, 48, 72, 96, ये सब फिर से है ना, ऐसा ये सब नंबर्स फिर से है। तो हमको ये सब नंबर्स को तो काउंट ही नहीं करना है, ये सब नंबर्स को निकाल देना है यहां से बाहर, पूरा निकाल देना, एक बार भी काउंट नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, जो जितना नंबर निकलेगा वो आइदर 8 से कटना चाहिए और 12 से, दोनों से नहीं कटना चाहिए, दोनों से नहीं कटना चाहिए, ठीक है। दोनों से कटने से वो उस नंबर्स को हमको निकाल देना पड़ेगा। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? 83 होगा शायद आंसर, 83 होगा यार आंसर। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, दोनों को निकाल नहीं देना है, दोनों को दो बार नहीं लेना है। 12 से भी कर सकता और दोनों से भी कर सकता है, सही है, दोनों से भी कर सकता है, सॉरी मेरा लॉजिक थोड़ा गलत हो गया था, दोनों से भी कर सकता है, ठीक है। सो देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो 8 से कटने वाला कितना नंबर से? 62 नंबर, ठीक है। इन 62 नंबर्स में 24, 48, 72, 96 ये सब भी है, जो ये सब नंबर्स जो 24 से कटता है, और 12 से कटने वाला नंबर में 41 नंबर्स है जो 24, 48, 72, 96 ये सब जो 24 से कटता है, ये सब भी इंक्लूडेड है। बट अभी अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे डायरेक्ट, 62 प्लस 41 अगर कर दोगे जो कि 103 आएगा, ये इन 103 नंबर में ये सब नंबर दो बार काउंट हुआ ना, ये सब नंबर्स दो बार काउंट हो गया। तो ये सब नंबर्स जो दो बार काउंट हुआ, इनको एक बार ही काउंट करना था, ठीक है। नंबर्स बढ़ गया ना ज्यादा, तो एक बार का नंबर्स को हटा दीजिए। एक बार का कितना नंबर है? इतना नंबर है जितना 24 का मल्टीपल्स है। 24 का कितना मल्टीपल्स है? 24 का 20 मल्टीपल्स है, 20 मल्टीपल्स है। तो 103 में से आप 20 मल्टीपल्स को निकाल दीजिए तो 83 होगा। सही है, आप लोगों का सही था, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा सोच लिया, ठीक है। Either 8 और 12 मतलब दोनों से भी कट सकता है, बट यहाँ पे जो हम लोग काउंट कर रहे थे ना, ये नंबर्स दो बार आ रहा था, तो हमने उसको एक बार माइनस कर दिया, तो एक ही बार रहेगी। अभी आया 27 ही समझ में? यस, सॉरी सॉरी, हाँ सर समझ गया, माइनस मैं थोड़ा ज्यादा सोच गया। Either 8 और 12 मतलब दोनों से भी कट सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? देखो तो कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। कोई भी डाउट नहीं है, पूरा समझ में आ गया। फिर भी स्टिल आई विल रिपीट वंस मोर, क्योंकि आप लोग तो मुझे कुछ से नहीं बोलेंगे। सो जस्ट अ मिनट,
देखो क्वेश्चन है कि 8 से कट सकता है नंबर या फिर 12 से कट सकता है, ठीक है? तो 8 से कटने वाला कितना नंबर है, 8 से कटने वाला कितना नंबर है, 8 से कटने वाला हम लोगों ने कितना बोला था 62 नंबर से, और 12 से कटने वाला कितना नंबर से 41 नंबर से। सो एक्चुअली तो 62 प्लस 41 नंबर से एक्चुअली में कितना नंबर है 103 नंबर है। बट इन दो ये जो 62 और 41 काउंट है, यहाँ पे ऐसा नंबर्स भी है जो 24 से कटता है, वो 8 के मल्टीपल्स में भी है 12 के मल्टीपल्स में भी है, वो दो बार आ चुका है, उसको एक बार उसको निकाल देना है, एक बार उसको माइनस कर देना है क्योंकि ज्यादा काउंट हो गया ना। सो कितना माइनस करना है आप देखो, 24 से कितना मल्टीपल्स है 500 तक, 24 का कितना मल्टीपल्स है 500 तक, आप बोलोगे कि सर 20 मल्टीपल है, 20 मल्टीपल, तो इन 20 मल्टीपल्स को आप माइनस कर दीजिए तो 83 बचेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। ये वाला करो तो हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 10 एंड मोर देन 2 कैन डिवाइड 504। ये वाला बनाइए, सर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का एलसीएम लेना होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, एक एक करके चेक कर लो, 3 से ज्यादा है क्या चेक करो, 4 से ज्यादा है क्या चेक करो, ऐसे करके करो। डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा था ना उस तरह से। तीन से तो जाएगा, चार से भी जाएगा, पांच से नहीं जाएगा, छह से भी जाएगा, सात से जाएगा क्या ये नंबर, सात से भी जाएगा, आठ से भी जाएगा, नौ से भी जाएगा, तो छह नंबर से जाएगा, सिक्स 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 इज द राइट आंसर। हाँ सिक्स करेक्ट। बोला है कि 2 से ज्यादा और 10 से कम कितना नंबर से 504 कट जाना चाहिए, तो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा है उसको अप्लाई कर दो। 3 से कटेगा कि नहीं देखो पहले, 2 3 से देखो, 3 3 के लिए क्या चाहिए, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स कितना है 5 प्लस 4 9 है, 9 3 से कटता है तो 3 से तो कटेगा, एक नंबर हो गया 3। 4 से कटेगा कि नहीं, 4 से कटने के लिए क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 04, ये 4 से कटता है तो ये नंबर भी 4 से कटेगा, 4 से कटेगा। 5 से तो देख के लग रहा है नहीं कटेगा, लास्ट में 5 नहीं है तो 5 से नहीं कटेगा। 6 से कटेगा कि नहीं, देखो नंबर 3 से कट रहा है, 2 से तो कटता ही है, ये नंबर इवन नंबर है, 2 से कटता है 3 से कटता है तो 6 से भी कटेगा। 7 से कटता है कि नहीं देखो, 7 से काटने के लिए क्या करना था, ये वाला नंबर लो इसको डबल करो 8 और बाकी नंबर लो 50, 50 से 8 माइनस करो 42, 42 7 से कटता है तो ये नंबर भी 7 से कटेगा। 8 से कटता है कि नहीं, 8 से काट के देख लो, 8 के लिए क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट्स देखना पड़ता है। अब इस नंबर को 8 से काट के ही देख लो ना, 8 6 जा 48 बचेगा 24, 8 3 जा 24, 8 से कटता है, 8 से कटता है। 9 से काटने के लिए सम ऑफ द डिजिट्स देखना है, सम ऑफ द डिजिट्स 9 है, वो 9 से कटता है तो ये भी 9 से कटेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आया समझ में? 7 वाला डिविजिबिलिटी नहीं देखने से भी होता है, देखो तो इसके सामने 490 है ना, 490 जो 7 से कटता है, ये तो 490 से 14 ही ज्यादा है, ये 490 से कितना ज्यादा है, ये नंबर 14 ज्यादा है, 490 7 से कटता है, 14 7 से कटता है, तो उन दोनों का सम भी तो 7 से कटेगा ही ना, इस तरह से भी देख सकते हैं। एनीवे यू लाइक।
मैं ज्यादा फास्टर हो गया फ्रेंड्स, मैं गोइंग टू फर्स्ट बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। व्हाट अबाउट अदर्स जिनका आंसर थोड़ा स्लो आ रहा है, आप लोगों को फास्ट लग रहा है क्या? नहीं है ना, फास्ट तो नहीं है, सो के नो फास्ट होने से बोलना है, मैं स्लो कर दूंगा, हमें स्लो डाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ हड़बड़ी का बात नहीं है, ठीक है। एक एक नंबर करके चेक करो, तीन से चेक करने के लिए सम ऑफ द डिजिट्स तीन से जाना चाहिए, जा रहा है। चार से चेक करने के लिए लास्ट टू डिजिट्स चार से जाना चाहिए, वो भी जा रहा है। छह से चेक करने के लिए ये नंबर दो से कटता है, तीन से भी कटता है, तो छह से भी कटेगा। सात का मैंने बताया आपको कैसे करना है, सात का कल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, क्या करना पड़ता है, जो यूनिट डिजिट है उसको लो, उसको डबल करो आठ, और जो बाकी नंबर है 50 उसको अलग से लिख दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 42 आ जाएगा। 42 7 से कटता है तो ये भी कटेगा, ठीक है। 8 वाला लास्ट का 3 डिजिट देखना है, तो लास्ट का 3 डिजिट नंबर ही है, तो उसको डिवाइड करके चेक कर लो। 9 का सम ऑफ द डिजिट से चेक कर लो, सम ऑफ द डिजिट 9 से कटता है तो ये भी कटेगा, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये करो, लेट्स सी नॉट डिविजिबल वाला, मैं देखते कितने लोगों का आता है। ये क्वेश्चन मैंने आज तक कभी भी किसी भी बैच में नहीं करा है, आप करो तो देखो, ट्राई करो। ये तो इजी है, बात आगे देखेंगे। हाँ सही है, अच्छा सिंपल है ना, सिंपल है। एक से सौ तक कितना नंबर है जो दो से नहीं कटेगा, जितना ऑड नंबर है, एक से सौ तक 50 ऑड है, 50 इवन है ना, 50 ऑड है, 50 इवन है, तो जितना ऑड नंबर है वही नहीं कटेगा 50, सिंपल है ये, आया ना समझ में। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, दो से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो कौन सा नंबर दो से डिवाइड नहीं होता है, जो जितना ऑड नंबर है, जितना ऑड नंबर होगा उतना ही नंबर दो से नहीं कटेगा, और एक से सौ के बीच में एक तो ऑड है ना, वन तो ऑड है। देखो कभी कभी कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वन तो ऑड है। आप मुझे बताओ तो एक चीज, वन से लेके 101 के बीच में ऑड नंबर्स कितना है, वन से लेके 101 के बीच में, हाँ 51 ऑड नंबर्स है, 51 ऑड नंबर्स है, ठीक है। और इवन नंबर 50 है, इवन नंबर 50, ठीक है। 1 से 101 के बीच में 101 नंबर्स है, 101 नंबर्स, बट यहाँ पे शुरू भी हुआ है ऑड से, खत्म भी हुआ है ऑड में, मतलब ऑड ज्यादा है, ठीक है, ऑड ज्यादा है, तो वो सब ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 1 से 100 के बीच में कितना नंबर है जो 2 से कट जाता है, 2 से नहीं कटता है, मतलब जितना ऑड नंबर है उतना ही होगा। तो 1 से 100 के बीच में कितना ऑड नंबर है, इसमें 50 ऑड है और 50 इवन है, तो 50 जो ऑड नंबर है वही दो से नहीं कटेगा ना, इज इट क्लियर, ये समझ में आया ना। सिंपल, इसको 100 नंबर है, 100 में से हर दो में से एक नंबर, हर दो में से एक नंबर, हर दो में से एक नंबर टू से नहीं कटता है, तो 100 में कितना होगा, उसका आधा, ऐसे भी सोच सकते हैं, कैसे भी करो, ठीक है, क्लियर है ना। ये इजी क्वेश्चन था, समझ नहीं आया, कौन सा समझ नहीं आया, बोलो माइक ऑन करके बोलो, तो नहीं तो टेक्स्ट में ना समझ भी नहीं आता। बताओ क्या समझ में नहीं आया, आप क्वेश्चन को फिर से समझा दीजिए पूरा। देखो फाइंड द, आपको पूछा है कि 1 से लेके 100 तक कितना नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 1 से लेके 100 तक 2 से कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होगा, जो ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, इवन नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से लेके 100 तक 50 ऑड नंबर है और 50 इवन नंबर है, तो जो ये 50 ऑड नंबर है यही तो 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, 50 होगा आंसर, इसमें इतना डिफिकल्ट क्या है, तो
ये वाला करो तो इतना जल्दी कैसे आ गया आपको? चलो ठीक है, बढ़िया यार, अगर करेक्ट है तो बढ़िया। 33 विच आर नॉट डिविजिबल बाई एनी वन ऑफ टू एंड थ्री, मतलब दो से भी नहीं कटना चाहिए। 17, अरे वेरी गुड, अलग अलग आंसर है। दो से भी नहीं कटना चाहिए, तीन से भी नहीं कटना चाहिए, ठीक है? दो से भी नहीं कटना चाहिए, तीन से भी नहीं कटना चाहिए। सेवेंटीन, ओके। एनीवन एल्स, व्हाट इज द आंसर? दो से भी नहीं कटना चाहिए, तीन से भी नहीं कटना चाहिए, ओके। 30 तो ऑप्शन तो नहीं देता, ओके। देखो, पहले हम लोग करेंगे 1 से 100 तक, ऐसा कितना नंबर है विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है? मतलब ये क्रॉस 2 है, ठीक है? कैसे लिखो इसको? अच्छा, ऐसा कितना नंबर है? 50। ऐसा 50 नंबर है जो 2 से नहीं करता है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसा 50 नंबर है विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अभी ऐसा 50 नंबर है विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब ये 50 नंबर ऑड नंबर से, ये जो 50 नंबर से ये ऑड नंबर से, करेक्ट, ठीक है? ये जो 50 नंबर से है जो 2 से नहीं करता है, ये सारा ऑड नंबर है। अभी 1 से लेके 100 तक ऐसा कितना नंबर है जो 3 से कटता है, ये बताओ। 1 से लेके 100 तक ऐसा कितना नंबर है जो 3 से कट जाता है? हाँ, how much? 33। ऐसा 33 नंबर्स है, ऐसा 33 नंबर्स है जो 3 से कट जाता है, करेक्ट, जो 3 से कट जाता है। ऐसा 33 नंबर्स है जो 3 से कट जाता है। तो ये 33 नंबर्स में से ऑड नंबर कितना है बताओ? इस 33 जो नंबर्स है इसमें से ऑड कितना है, इवन कितना है, ये बताओ। ऑड कितना है वो बता दो। सेवनटीन किसका आंसर है? सेवनटीन गलत आंसर है, बताओ। ये जो 33 नंबर्स है, जो ये 33 में से ऑड कितना है और इवन कितना है? प्लीज आप कुछ बोल, आर यू टेलिंग समथिंग? ये जो 33 नंबर्स है, ये 33 नंबर्स कहां से शुरू हो रहा है? 3 से शुरू हो रहा है, 3, 6, 9, 12, 15, और खत्म कहां पे हो रहा है? 99 में खत्म हो रहा है। शुरू भी हो रहा है ऑड से, खत्म भी हो रहा है ऑड में, मतलब ऑड ज्यादा है इवन से, ऑड ज्यादा है, ऑड 17 है, 16 इवन है, ठीक है? 16 इवन है, कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस से बोल रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है इसमें। देखो 33 नंबर्स है, ऑड इवन इक्वल होना चाहिए था, पर 33 नंबर से तो एक तो ज्यादा ही होगा, कौन सा ज्यादा होगा? अगर वो ऑड से शुरू होकर ऑड में ही खत्म हो रहा है, इसका मतलब ऑड 100% ऑड ज्यादा है, तो ऑड 17 है, इवन 16 है। ये जो 50 नंबर था, ये सारा ऑड नंबर था। इस 50 नंबर में से आप ये सारा ऑड नंबर को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ना। तो देयर आर 33 नंबर्स जो
टू से भी नहीं करता है और जो तीन से भी नहीं करता है। 16.5 आप जोक कर रहे क्या क्लास में? 16.5 क्यों बोला यार? आप जोक कर रहे हैं या फिर मैं जोक कर रहा हूं क्लास में? इतना अच्छे से समझा रहा हूं खोल खोल के। 16.5 आंसर मत बोलो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? देखो अगर आपको नहीं आया आप मुझे फिर से बताओ, मैं फिर से रिपीट करता हूं। टेल मी सर, ये लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया सर। ओके ओके ओके, मैं रिपीट करता हूँ। देखो समझ में नहीं आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको तीन बार चार बार भी समझा दूंगा, मैंने लास्ट बैच में भी समझाया था, लेकिन जोक मत करो क्लास में और ये सब जोक मत करो। जोक करना है तो अच्छा जोक करो जिससे लोगों को हंसी आए, ये सब जोक करने से तो देखो सिंपल चीज है, देखो एकदम कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है ना, एक से सौ तक 50 नंबर है जो दो से नहीं करता है, जो दो से नहीं डिवाइड होता है, ठीक है? इसका मतलब 50 ऑड नंबर है, ठीक है? ये समझ में आ गया, 50 ऑड है 50 इवन है, जितना भी ऑड नंबर होगा वो दो से नहीं कटेगा, सिंपल चीज है, ठीक है? अभी आपको ये तो पता है कि ये जो ऑड नंबर्स है इसमें से ही आपको उतना नंबर बाहर निकाल देना है जो तीन से कट जाता है, ठीक है? ठीक है, मतलब यू हैव टू एलिमिनेट दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई थ्री ऑल्सो, बिकॉज विच आर डिविजिबल बाई थ्री, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि आपको उतना नंबर बाहर निकाल देना है जो दो से भी नहीं कटता है, तीन से भी नहीं कटता है, जो दो से भी नहीं कटता है और तीन से भी नहीं कटता है। दो से नहीं कटने वाला तो हमने निकाल लिया, दो से नहीं कटने वाला कितना नंबर है? 50 नंबर है, ठीक है? दो से नहीं कटने वाला कितना नंबर है? देयर आर 50 नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू, करेक्ट? सिंपल चीज है। अभी आप इन 50 नंबर्स में आइए, ये 50 का 50 नंबर ऑड नंबर है, ये 50 का 50 नंबर ऑड नंबर है, मतलब ये सब कौन सा नंबर से पता है? ये सब 1, 3, 5, 7, 9, 11 up to 99, ये सब नंबर्स, ठीक है? ये सब नंबर्स ही है जो दो से नहीं कटता है। आपको अभी बताना है कि इन नंबर्स में से तीन से नहीं कटने वाला कितना नंबर है, मतलब इन नंबर्स में से थ्री से कितना नंबर नहीं कटता, थ्री से जितना नंबर कटता है आपको वो सब बाहर निकाल देना है, मतलब ये 50 ऑड नंबर निकला, इन नंबर्स में से आपको वो सब नंबर को बाहर निकाल देना है जो तीन से भी कटता है। तो आप ये निकाल लो कि एक से सौ के बीच में तीन से कितना नंबर कटता है, एक से सौ के बीच में तीन से कितना नंबर कटता है, एक से सौ के बीच में थ्री से डिवाइड कर दो, 33 टाइम्स कटेगा ना, 33 टाइम्स कटेगा, इसका मतलब 33 नंबर्स है एक से सौ के बीच में जो तीन से कटता है, ठीक है? 33 नंबर से एक से सौ के बीच में जो तीन से कटता है। अभी इन 33 नंबर्स में से ऑड नंबर कितना है और इवन नंबर कितना है वो निकाल लो, ठीक है? इन 33 नंबर्स में से ऑड नंबर कितना है और इवन नंबर कितना है वो निकाल लो आप, सिंपल चीज है और तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो अगर आप इसको देखेंगे कि इन 33 नंबर्स में से ऑड नंबर कितना है, देखो ये जो 33 नंबर से ये सारा 3 का मल्टीपल है, मतलब ये सब कौन सा नंबर से, 3, 6, 9, 12, 15, ...99 तक, ठीक है? 99, ये सारा नंबर्स 3 से लेके 99 तक सारा ऑड नंबर्स, करेक्ट? ठीक है, ये 3 से लेके 99 तक सारा ऑड नंबर, सॉरी सारा ऑड नंबर नहीं, सारा 3 का मल्टीपल है। आपको बताना है कि इनमें से ऑड नंबर कितना है, देखो इसमें कितना नंबर से टोटल 33 है, अभी 33 नंबर है और इसमें 100% श्योर है कि अनइक्वल है, नंबर्स अनइक्वल है, मतलब और जितना होगा इवन उससे इवन और ऑड इक्वल नहीं होगा, ठीक है? श्योर है क्योंकि 33 नंबर्स में आप इक्वली कैसे बांटोगे, नहीं बांट सकते ना। अभी 33 नंबर से अगर वो ऑड नंबर से स्टार्ट होकर ऑड नंबर में ही खत्म हो रहा है तो 100% श्योर है कि ऑड ज्यादा है ना इवन से। आप इसको ऐसे समझो ना, जैसे ही जैसे 3, 6 और 9 है, सपोज 3, 6 और 9, यहाँ पे 3 नंबर, ये ऑड नंबर से शुरू होके ऑड नंबर में ही खत्म हो रहा है, इसका मतलब ऑड नंबर ज्यादा होगा ना, 3 अगर 3 नंबर है तो इक्वल तो होगा ही नहीं, इक्वल तो नहीं होगा, यानी कि ऑड कुछ और होगा और इवन कुछ और होगा, ठीक है? और ऑड शुरू हो रहा है 3 से, खत्म भी हो रहा है 9 में, इसका मतलब ऑब्वियसली ऑड ज्यादा है ना,
समझ में आ रहा है क्या अभी? हाँ हाँ सर, ठीक है। इसका मतलब odd numbers कितना है? 17 है और even number 16 है। Otherwise तो equal हो जाता ना। Equal नहीं है मतलब odd एक ज़्यादा होगा, तो odd 17 है और even कितना है? 16 है, ठीक है। So odd जो है वो 17 है और even जो है वो 16 है। So आपको अभी बताना है कि आपको अभी क्या करना है, ये जो 50 odd number निकला था इनमें से ये सब odd number को हटा दो, ये जो 17 odd number इसको निकाल दो, 50 जो ऑड नंबर निकला था उसमें से 17 ऑड नंबर को निकाल दो ना, हो गया आंसर 33। खुद सोचना एक बार, आप घर में जाके इसको खुद सोचना, इट्स वेरी इजी, कुछ कुछ भी नहीं है सर। देखो इसको क्या है ना, इसको सर मेरा 33 आया था, पर आप एक बार बोल दीजिए मेरा लॉजिक करेक्ट है कि नहीं। मतलब पहले मैंने 2 से डिवाइड किया तो 50 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 100 को, फिर 33 आया। तो उसके बाद कॉमन फैक्टर्स अगर लिया तो मतलब एलसीएम लिया तो उसका 6 आया, जो भी 3 और 2 का एलसीएम है। तो फिर उसको डिवाइड किया, फिर उसका आंसर 16 आया। तो हाँ, फिर मैंने 83 जो है, मतलब 50 प्लस 33 2 और 3 का 83 आया, उससे माइनस कर दिया 16 को। वो भी सही, कैसे भी करो वो भी सही है। 67 नंबर से जो 2 और 3 और 6 से करता है ना, हाँ मैं वही, ठीक है ठीक है। अरे ये प्रकाश आप बुरा मत मानो, मैं थोड़ा सा हाइपर हो गया बीच में, थोड़ा कभी कभी एग्रेसिव हो जाता हूँ मैं कभी कभी, मतलब हो जाने से बुरा मत मानना, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये वाला ठीक है, आप लोग ये वाला मेथड ले सकते हैं, वो भी आप लोग का भी ठीक है, बट आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो उसमें से देखो तो वो हो रहा है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू 100, जिन लोगों ने सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जिन लोगों को आता है, आप लोग की ग्रुप में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, सॉल्व करने को ट्राई करना। तो मैं भी क्लास के बाद देखता हूँ, अगर कुछ काम नहीं हुआ तो वही करूँगा, अच्छा क्वेश्चन है। करो ये वाला, नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू 100 व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ 2 3 एंड 5।
ये वाला आप लोगों ने जैसे लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था 100 माइनस 67 करके, ये वाला वैसे नहीं होगा ना? नहीं सर, नहीं हो रहा है, पर मतलब होगा, पर उसका कुछ फॉर्मूला था, मुझे याद नहीं है, लेकिन फॉर्मूला हम लोग पूरा क्वांट विदाउट फॉर्मूला कहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूला तो नहीं चाहिए। ओके 29, ओके ओके 29 तो अच्छा आंसर है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, आंसर तो आएगा ही, 100% आएगा। इसका इसका ना YouTube में ना बहुत लोग एक फॉर्मूला से करा थे, इसको इसको डिवाइड करके 1/5 करके, वो सब मैंने बहुत ट्राई किया, एक भी काम नहीं करता है, सब फालतू बेकार बेकार का फॉर्मूला है। ठीक है, वो सब मत देखना, आप लोग खुद लॉजिक से ट्राई करो, बड़ा क्वेश्चन है, लॉजिक से ट्राई करो। एक वंडर वाल्स करके 12th में एक था ना, वंडर वाल्स इक्वेशन, हाँ उसमें एक इंटरसेक्शन का जो तीन का जो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला था उससे आएगा शायद, अगर वो फॉर्मूला, मुझे याद नहीं है वो फॉर्मूला क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर वो तो फॉर्मूला का क्या जरूरत है, वो लॉजिक से कर दो, ऐसे वेन डायग्राम बना के कर दो। एक मिनट देखते आता है कि नहीं, ये सपोज वो सब नंबर है जो दो से कटता है, और ये सपोज वो सब नंबर है जो तीन से कटता है, और ये सपोज वो सब नंबर है जो चार पांच से कटता है, तो एक से सौ के बीच में कितना नंबर है जो सिर्फ दो से कटता है, वो निकालना भी तो एक टास्क है ना। एक से सौ के बीच में आप जब आप अगर भी इतना नंबर्स निकालोगे तो नहीं, पचास नहीं है जो सिर्फ दो से कटता है, वो तीन से नहीं कटना चाहिए, सिर्फ दो से कटना चाहिए, सिर्फ दो से। फॉर्मूला बेस्ड मैं मत जाओ, अगर आप वेन डायग्राम में जा सकते हैं, ये वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट, एकदम सही बात है, बट आपको उतना नंबर निकालना पड़ेगा ना जो सिर्फ दो से कटता है, ठीक है, जो तीन से नहीं कटता है, पांच से भी नहीं कटता है, फिर आपको ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जो सिर्फ तीन से कटता है, ठीक है, वो जो नंबर तीन से कटता है और वो पांच से भी नहीं कटना चाहिए, फिर आपको वैसा नंबर निकालना पड़ेगा जो सिर्फ पांच से कटता है, फिर आप निकालोगे जो तीन और पांच से कटता है पर दो से नहीं कटता है, वो बहुत झमेला है, उसमें सात पैरामीटर निकालना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा बहुत। ओके देखो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, अभी तो है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो एक से सौ के बीच में बोला है कितना नंबर है जो दो से भी नहीं कटता है, तीन से भी नहीं कटता है, और पांच से भी नहीं कटता है। आप मुझे बताइए एक से सौ के बीच में कितना नंबर है जो पांच से कटता है, बोलो तो कितना नंबर है जो पांच से कटता है। 20 नंबर है, वेरी गुड, ऐसा 20 नंबर्स है, ऐसा 20 नंबर्स है जो कि पांच से कटता है, ठीक है, पहले हम लोग उन 20 को निकाल देंगे तो बच गया 80 नंबर्स, ठीक है। पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि पांच से कटने वाला 20 नंबर है, तो इस 20 नंबर को हमने बाहर निकाल दिया, करेक्ट, ठीक है, अभी बच गया मेरे पास 80 नंबर्स, बच गया कितना नंबर्स, 80 नंबर्स। अभी आप मुझे बताओ, नहीं तो पहले इसको पहले दो वाले से करें क्या, एक काम करते हैं, इसको पहले वाले टेक्निक से निकाल देंगे, देखो पहले वाला उससे ही ज्यादा इजी होगा, पांच से करने जाने से फिर बहुत लंबा हो जाएगा ये। देखो पहले एक से सौ के बीच में ऐसा 50 नंबर्स है जो दो से नहीं कटता है, ठीक है, ऐसा 50 नंबर्स है जो दो से नहीं कटता है, ठीक है, इन 50 में से लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था ना, ऐसा 17 नंबर्स है जो तीन से कटता है, जो तीन से कटता है, तो ऐसा 33 नंबर्स है, ऐसा 33 नंबर्स है, जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन, ऐसा 33 नंबर्स है विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3, ऐसा 33 नंबर्स है विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3, ठीक है, मतलब ये जो 33 नंबर्स है ना, इन 33 नंबर्स में दो और तीन का मल्टीपल एक भी नहीं है, ठीक है, दो और तीन का मल्टीपल एक भी नहीं है, तो आंसर तो 33 से कम ही होगा, क्योंकि हमको 5 का मल्टीपल्स भी निकालना है, 5 का मल्टीपल्स भी तो निकालना है ना,
तो 5 का मल्टीपल से भी कैसे निकालेंगे वही बात है। देखो 5 का 20 मल्टीपल है, 20 मल्टीपल है ठीक है, इस 20 में से ऑड कितना है, इवन कितना है बताओ, इस 20 में से ऑड कितना है बताओ, 5 का जो 20 मल्टीपल है उसमें से ऑड कितना है, एग्जैक्टली 10 ऑड है और 10 इवन है, एग्जैक्टली ठीक है, सही बात है। ये जो 33 नंबर्स है ना, ये 33 कौन सा नंबर्स है, ये 33 वो नंबर्स है जो 2 से भी नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटता है। इसका मतलब ये जो 33 नंबर्स है ये सारा का सारा ऑड नंबर है, ये सारा का सारा ऑड नंबर है, बिकॉज ऑड नंबर्स ही ऐसा नंबर्स है ना जो 2 से नहीं कटता है, तो ये सारा का सारा तो ऑड नंबर है ठीक है। अभी आपको बताना है ये जो 33 ऑड नंबर्स है ये सारा ऑड नंबर है, इनमें से 5 का मल्टीपल कितना है कोई बता सकता है, Can you tell me, इनमें से 5 का मल्टीपल कितना है, 6 है ना, 6 है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इनमें से 5 का मल्टीपल 6 है, कैसे पता चला पता है, क्योंकि इनमें से 5 का मल्टीपल 6 है, मतलब आप सबको समझ में आ गया, बहुत बहुत बढ़िया यार। देखो ये जो 33 नंबर्स है, ये 33 नंबर्स ऐसा नंबर्स है जो 2 से भी नहीं कटता है और 3 से भी नहीं कटता है, बट इस 33 नंबर्स में ऐसा नंबर भी है जो 5 से कटता है और सारा ऑड नंबर है, तो इवन को तो हम ऐसे भी हटा देंगे, इवन नंबर तो पहले ही निकल गया, पहले ही गेम से बाहर है। अभी मेरे पास 10 ऑड नंबर है जो 5 से कट जाता है ठीक है। आपको ये 10 में से आपको बताना है कि इस 10 ऑड नंबर में से ऐसा कितना नंबर इन 33 नंबर्स में छुपा हुआ है ठीक है। कैसे बताएंगे, देखो ये दस ऑड नंबर कौन कौन सा नंबर है, 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, 75 है और 95 है, यही है ठीक है, 5 का मल्टीपल जितना ऑड नंबर है। अभी इन 33 नंबर्स में 15 तो ऑलरेडी नहीं है, 15 नहीं है ना इस 33 में, 15 नहीं है क्योंकि 15 तो 3 का भी मल्टीपल था, उसको हमने पहले ही हटा दिया, 15 नहीं है, 45 भी नहीं है ठीक है, 45 भी नहीं है, 75 भी नहीं है, आपने 7 6 बोला क्या, 6 नहीं है यार ठीक है, मेरा आंसर गलत है। यहाँ पे ऐसा 3 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा ऐसा 9 नंबर क्या हो रहा है यार, कहाँ गड़बड़ किया मैंने, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 70 85 नहीं लिखा ना, 85 नहीं लिखा, 10 नंबर है। इन 10 नंबर्स में से ऐसा 3 नंबर है जो 15, 45 और 75 जो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल्स था उन सबको हमने ऑलरेडी निकाल दिया, तो बाकी 7 को भी निकाल दो, बाकी 7 को भी निकाल दो ना, ऐसा 26 नंबर्स है जो 2 से भी नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटता है और 5 से भी नहीं कटता है, आया समझ में। देखो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ट्राई किया इसका शॉर्टकट निकालने का, ये वो ये नहीं होता है, ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा, एक एक करके निकाल के ही बनाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया आप मुझे और एक बार बोलिए, आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन, इसमें रिपीटेशन चाहिए सर, एंड में आते आते ना कंफ्यूजन हो जाता है, फिर माथा काम करना बंद हो जाता है, वो एंड में आते आते हाँ कोई बात नहीं, काम करेगा, टेंशन मत लो सर, वो 33 के नीचे से आप थोड़ा समझा दीजिए मुझे, मैं स्टार्टिंग से समझा, ब्रेन में प्रेशर मत डालो और मैथ्स करने के टाइम में ब्रेन को खाली रखो और गुस्से में मत रहो, तब मैथ्स रॉन्ग गलत आंसर आएगा, एकदम शांति से बैठो तभी करेक्ट आंसर आएगा। देखो फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू 100 व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ 2 3 एंड 5, मतलब 2 3 और 5 से नहीं कटना चाहिए, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने जैसे किया था कि 2 और 3 से नहीं कटने वाला कितना नंबर है, 33, तो ऐसा 33 नंबर है विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 एंड 3, 2 से भी नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटता है, इसका मतलब यहाँ पे जो 33 नंबर है ये सारा का सारा ऑड नंबर है, सारा का सारा ऑड नंबर है, बिकॉज 2 से नहीं कटता है तो ऑड नंबर ही होगा सारा का सारा। अभी इनमें से ऐसा बहुत सारा नंबर्स भी है जो 5 से भी, इसको ना मैं अगर रिवर्स में समझाता शायद आपको ज्यादा समझ में आता यार,
अच्छा देख लो आप लोग, अगर मैं कल आपको रिवर्स में ये समझा दूंगा, रिवर्स में शायद ज्यादा इजीली समझ में आएगा। देखो ये 33 है, 33 ऐसा नंबर है जो दो से भी नहीं करता और तीन से भी नहीं करता। इसका मतलब ये जो 33 नंबर है ये सारा का सारा ऑड नंबर है, ठीक है। इन ऑड नंबर्स में से पांच का मल्टीपल भी बहुत सारा होगा। पांच का मल्टीपल कौन सा होगा? पांच होगा, पंद्रह होगा, सारा ऑड मल्टीपल्स, 25 होगा, 30 होगा, सॉरी 30 बोल रहा हूँ, 35 होगा, 45 होगा, 55 होगा, 65 होगा, 75 होगा, 85 होगा, 95 होगा, ठीक है। ये तो क्लियर है, ये जितना सारा ऑड नंबर्स था, ये ऑड नंबर्स में ये सब नंबर्स भी तो है, ठीक है। बट इनमें से कुछ कुछ नंबर नहीं है, जैसे 15 नहीं है, 15 नहीं है। 15 क्यों नहीं है? क्योंकि 15 तो 3 का मल्टीपल है ना, तो इसको तो हमने पहले ही निकाल दिया था। ये जो 33 नंबर्स है इसमें 15 नहीं है बाबू, क्योंकि हमने नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 3 33 नंबर्स है। इन 33 में 15 नहीं है, 100% 15 नहीं है, 45 भी नहीं है, सारा 15 का मल्टीपल्स नहीं होगा। 15 नहीं है, 45 नहीं है, फिर नेक्स्ट 15 का मल्टीपल 75 ये भी नहीं है। तो ये तीन नहीं है मतलब कितना है? इन 10 में से 3 नहीं है मतलब 7 है, तो आप इन 7 को भी निकाल दीजिए। अभी आया समझ में? अभी भी नहीं आया? ये क्लियर ना? सब लोग बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ। अब किसी को नहीं है तो बोलो, बताओ, मैं समझाऊंगा फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बस ये 33 वाला मत पूछना, ये तो प्रीवियस वीडियो में समझाया था और प्रीवियस क्वेश्चन में। क्लियर है ना? कुछ क्लियर नहीं है तो बताओ, मैं वापस समझाऊंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर है ना? पक्का क्लियर है ना? नेहा आपको समझ में आया ना? झूठ मत बोलना, देखो आप झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। यस ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा 33 नंबर से जो दो से भी नहीं करता है और तीन से भी नहीं करता है, मतलब ये 33 ऑड नंबर से, इन 33 नंबर्स में ये सब भी तो होगा ना, 5, 15, 25, ठीक है। बट सारा नहीं है, बट ये सब होने का चांस भी है, क्योंकि हमको 5 का मल्टीपल भी तो बाहर निकालना है। तो 5 का मल्टीपल कौन कौन सा इसमें इसमें ऑलरेडी है? जैसे 15 नहीं है, 15 नहीं है, क्योंकि 15 हमने पहले ही निकाल दिया था, क्योंकि हमने 33 नंबर्स जो निकाला था वो तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, मतलब 15 निकल गया, 45 भी निकल गया, 75 भी निकल गया, तो बचा कितना? 7, ये 7 को निकाल दो, 26, ठीक है, 26 इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, सो आज के लिए रहने दो, नहीं तो आप लोग को कुछ काम है क्या? और थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे क्या? एक दो इसी इजी इजी है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, नहीं तो आपको कुछ अर्जेंट मीटिंग वगैरह होगा तो फिर चले जा सकते हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, अच्छा ठीक है, होगा, चलो कोई बात नहीं, चलो आज के लिए रहने दो। कल देखते हैं, कल अगर मैथ्स क्लास होता है तो मैं आपको कल समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। चलो चलो चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास।